So while you decide, I'll give you a context of what we are going to do in next 1 hour. We'll be trying to understand the lean concepts and how Kanban helps us in implementing the lean concepts. I'll not go into the typical classroom theoretical sessions. We'll just test them a little bit so that you are aware of the terminology. I'll not go very deep into ki aap uske har ek ki paal ki khal nikale na chahoge to hum log workshop nahi karte. Okay, so the concept would be that every table will represent a pizza making team who will have to optimize their process and churn out as many pizzas as they can in the best possible manner. So koi time limit nahi hogi, we would not be time boxing it as we do in Scrum. So pehla concept change, Scrum mein hum time box karte hain, Kanban ya Lean mein hum time boxing ki baat nahi karte. We just optimize every delivery as such. ओके क्लिक कर देते हैं, ये आप लोग एक बार देख लो, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू मेक एंड यू पास इट ऑन. सो दिस इज वन पिज्जा स्लाइस जो मैंने बनाया, एक बार आप ये देखो एंड पास इट ऑन टू अदर. इन चीजों से सेम बनाना है. हां, वो बेसिकली ये बेस है, बेस को आपने कलर किया, उसके ऊपर टॉपिंग्स लगे. ये इनको खोल लेते हैं, ये कुछ और नाम से आइडेंटिटी तो डेफिनेटली. सो बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर रेस्टोरेंट? मैं पांच नाम यहां लिख रहा हूं. स्टार्टिंग कर दीजिए. हां, अब दैट ओके. हां, पेपर पिज़्ज़ा. Paper pizza. ठीक है, हमारे नाम का हो गए. अब हम आगे काम करते हैं. हमारा गोल क्या है? रॉ मटेरियल सबके पास है, पोस्टर्स होने चाहिए, दो सिजर्स, एक ग्लू स्टिक एंड वन रेड मार्कर फॉर एवरी टेबल. मार्कर है उनके हाथ में, मार्कर नहीं है. ठीक है, रॉ मटेरियल आप चेक कर लो. दो बेस बनाए, तीन तरह के पोस्टर्स होंगे, तीन चार तरह के पोस्टर्स होंगे आपके पास में. एक ग्लू स्टिक होगी, दो सिजर्स होंगे और एक रेड मार्कर होगा, राइट? ठीक है. अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, हम यहाँ के टेबल क्लॉथ खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो भी हम लोग काम करेंगे, चार्ट पेपर मैंने दिए, चार्ट पेपर पे बिछा के करेंगे, राइट? क्योंकि आप ग्लू वगैरह लगाओगे, कलर भी नहीं करोगे, तो हम एटलीस्ट पट्टी की प्रॉपर्टी खराब नहीं करेंगे. ओके, सो द गोल वुड बी, पिज्जा स्लाइसेस सबने देख लिए अभी, हैज इट सर्कुलेटेड टू एवरीबॉडी? या जाके बॉटल ले बन गया? और एक और पीस था, मैंने दो सैंपल भेजे थे. हाँ, तो एक वहां पर खाना है, तो हम आपके पास आ रहा है. आप कॉपी मत करो. ना ना, बीमारी नहीं करो. राइट, तो हमको इन रॉ मटेरियल को यूज करके जो आपके पास सैंपल्स हैं, उस तरह का पिज्जा स्लाइस बनाना है, विच शुड आइडियली लुक समथिंग लाइक दिस. व्हाट वी हैव हियर, द शेप फ्रॉम अ क्वालिटी स्टैंड पॉइंट, इफ आई एम द product owner or I am the person who will approve of the pizza quality, shape is very important, triangular hona chahiye, uske upar red marker jo hai, that will be the pizza sauce for you, color aapka pura sauce aap kaide se lagaoge, there has to be three pieces of toppings from onion, pink wala and three capsicum, green posted, right? हाँ, so tomato बोलो या onion बोलो, जो भी pink है वो change होता रहता है. अच्छा, यू हैव टू फोकस हियर गाइस, एक बार आप समझ लो. रेक्टेंगुलर शेप मैंने बोला है, राइट? हमें रेक्टेंगुलर शेप चाहिए एंड पिज्जा का ऊपर वाला एंड थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, वहां पे सॉस नहीं लग रही है, राइट? तो ये जो है पिज्जा का एंड ऊपर मुड़ा हुआ है, आप मुझे देंगे एक बार? यहाँ पे देखो, ऊपर सॉस नहीं लगा हुआ है. ये पिज्जा का एंड है, जो हम लोग कई बार डोमिनोज का पिज्जा होता है तो खा के देख लेते हैं, ये एंड अच्छा नहीं है.
राइट, हमें वो भी बनाना है, ठीक है. सो दिस इज द शेप दैट यू हैव टू मेक. And going back to the previous slide, as far as the goal was concerned, we have to reduce waste. अभी हम अब आपके हिसाब से जो भी waste की definition है वो आप लोग सोचो, हम लोग इस waste पे दोबारा आएंगे. अच्छा, आप जब pizza बनाओगे उसके बाद क्या करोगे? कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमको एक मिनट में पिज्जा बनाने हैं या तीन मिनट में बनाने हैं. आपको बनाना शुरू करना है. आई विल टेल यू व्हेन टू स्टॉप. ओके, सो अगर आप स्क्रम के कॉन्सेप्ट से चलते हैं, आप इसके काटो, आप दोनों से काट लीजिए, नीचे दो काटो, आप टाइम बॉक्सिंग करो, आप सिर्फ ओवर देना है. प्लानिंग कैसे कर रहे हैं? इसमें कुछ होता ना, कितने वो लगाने हैं? तीन अनियन, तीन हाँ, ये रहा ना आपके सामने, इससे छोटा मोर टॉपिंग रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल दे दे. How many do we need to put? Three green. Three official. Yeah. Okay. ये green color है, ठीक है? ये fluorescent. Yeah, yeah, yeah. Okay, ठीक है. Put it in the action chemistry three. So team are designing will need a small cut. When it comes to anybody who's having a scissor, please cut this. Oh, sure, sure. Okay. Sure. 4x4 जा रहेगा. We are doing this. We are folding it from here. We are lagging over here. Pen के कट गए ना, वो coloring में help, but एक ही है ना हमारे पास pen. Pen एक ही लेंगे. तो अंदर से निकालो. हाँ, रिफिल निकाल के, रिफिल निकाल के. नहीं, वो तो हमारी मर्जी, कैसे डेवलपमेंट भी करने से. हाउ मच ग्रीन किसी का अवन में आ गया है, कलर मार. यहाँ पे कर दो मैं ग्रीन लगा दूँ. एक लीफ पे ध्यान रख लीजिए ताकि डन पिज़्ज़ा जो है ये बड़ा वेस्टेज कम हो. दिस इज डन. आई नीड अ सीजर. वो सीजर ये भी लगा दो. ऐसा नहीं नहीं कितने आ गए आपके बैग कितने हो गए? अच्छा, कहाँ रख रहे हैं बैग? आप एक ही ग्लू दिए ना. 30 सेकंड टाइमर पर आप इसे खराब एक काम. अच्छा अच्छा, केयरफुल. सबका हो गया? आप लोग बैठ जाइए तो मैं आगे बढ़ता हूँ. ओके, अब हम जो स्कोरिंग करते हैं, जितने आपको पिज्जा पूरे बन गए उनके प्लस 10 पॉइंट्स आपको अपनी टेबल पे आप लोग अपना काउंटिंग करो. फॉर कंप्लीट स्लाइस 10 पॉइंट्स, फॉर बेसिस जो इनकम्प्लीट बेस है चाहे उस पर सॉस लग गई लेकिन वो बेक नहीं हुए हैं, for every incomplete base minus 4 and for every piece of topping minus 1. ठीक है, अपना जल्दी से स्कोर करके आप मुझे स्कोर बताइए. 40 माइनस 4 आप हमने जरा पहले टॉपिंग गिनो फटाफट. ये टॉपिंग गिनो. आप यहाँ टॉपिंग गिनो. ये दो वेस्टेज है, ठीक है.
So I have not made So finish slice का plus 25% आपके पास चार finish हो गए ये सब आप लोग काम कर रहे हैं 40 हो गया ये क्या है finish slice 16 हो गए ना ये आप काम कर रहे हैं minus 16 ये हुआ topic zero एक वो क्या पड़ा वो भी वैसे है कैब बुक करानी है मुझे ऑफिस में छोटा सा काम है ट्रैवल डेस्क को डालूं अप्रूव हो जाए हम लोग खुद ही रोते हैं सब चीजों के लिए सब क्या है ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वहां हम लोग एज एम्प्लॉइज वी आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम कोड में अगर हम सब लोग कभी ना कभी डेवलपर रहे हैं तो लोग ये गाली देते हैं कोड लिख के कौन गया समझ में तो आता नहीं है एक छोटा सा काम है इसके लिए इतना 2009 का फंक्शन लिख दिया इसको मैं रिफैक्टर करूंगा मैनेजर से टाइम लेते हैं उसको 200 लाइन में अलग से करते हैं व्हाट इज दैट ओवर प्रोसेस These manifest themselves in a very different manner based on the industry you are in. HR के लिए overprocessing will be very different for programmers. It will be very different. Test cases के लिए test steps इतने complicated हैं, requirement इतनी complex बना दी. Simple बना दे test steps simple हो जाए तो काम तो वही करना है. Login check करना है. लेकिन नहीं घुमा के करेंगे हम तो. ये सब जो हम लोग का frustration निकलता है ना, वही सब है यहाँ पर और कुछ नहीं है. एक basic. तो ये स्लाइड में स्लाइड शेयर पे डाल दूंगा तो आप लोग ले लेना क्योंकि फिर व्हाटएवर आई टॉक्ड अबाउट इज मेंशनड हियर एंड वी हैव टू फिनिश इट ऑफ इन वेबिनार आल्सो एज अ फीडबैक लूप जो है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट फॉर इन स्क्रम इट इज प्रिस्क्राइब कि हम हर 10 मिनट पे रुक के रेट्रो करेंगे लेकिन व्हाट इज द इंटेंट एंड फॉर नॉन स्क्रम टीम्स शुड वी नॉट डू द रेट्रो कई बार ये होता है कि हम लोग सिर्फ काम में लगे हुए काम करे जा रहे हैं बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी डोंट एवर आइडेंटिफाई अ नीड ऑफ टेकिंग अ पॉज समवेयर एंड फिगरिंग आउट आर वी ऑन द राइट ट्रैक आर वी डूइंग थिंग्स करेक्टली शुड वी कोर्स करेक्ट एंड इट इज नॉट अ प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड एट अ 5 to 9 मेंबर टीम हम स्क्रम टीम की बात नहीं कर रहे फ्रीक्वेंसी बदलती है एक स्क्रम टीम 10 दिन में करेगी हो सकता है टॉप मैनेजमेंट एक क्वार्टर में एक बार करे बट every organization or every team irrespective of its size should actually go into a retrospective mode which is a feedback loop jo abhi aap log ka yahan hai ki ab humne kya galat kiya hamara ye score kharab kyun aaya why did i pause here warna aap ye galti kar rahe the to ye aap 1 ghante tak karte rehte so now you will go into a feedback loop try to improve and then redo then we will take a pause again you will again go into the feedback loop so that feedback loop is very important right And then making the process explicit is that we should not overcomplicate the process. It should be as simple as कि कल को नया बंदा टीम में आता है, उसको समझाने में इतना प्रॉब्लम ना हो. हर एक के लिए क्लियर हो कि प्रोसेस क्या है. ठीक. टास्क एट हैंड में भी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, but the process or the entry criteria of the task and exit criteria of the task should be very explicit, right? And yes, collaboration obviously, lean and agile. बात करें तो collaboration. ओके तो अब आपको एक काम ये करना है जो चार्ट पेपर्स हैं अब इनका रोल बदल जाता है आप इन चार्ट पेपर्स पे हर एक इंडिविजुअल को या हर एक स्टेप को आप एक वर्क स्टेशन मान लो जैसे कटिंग इज वन वर्क स्टेशन राइट पेंटिंग और अप्लाइंग द सॉस इज अनदर वर्क स्टेशन बेकिंग इज अनदर वर्क स्टेशन सो वो चार्ट पेपर पे आप लोग मैं जैसे यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ तो टेबल पे हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ नहीं कर सकते तो आप इसी पे आप अपने वर्क स्टेशन बना लो एंड यू हैव टू एज अ टीम डिफाइन कि व्हाट इज द वर्क लिमिट दैट आई शुड पुट कि एक बार में मैं दो तीन तीन टॉपिक काटूंगा फिर रुक जाऊंगा तो मैं तीन की वर्क लिमिट लगा रहा हूं राइट तो नाउ यू हैव टू अप्लाई ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स हियर एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई योर वर्क लिमिट्स और अपना प्रोसेस एक बार स्टार्ट कर लो दो चार्ट दिए थे मैंने आपका दूसरा काम एक ही मिला ये तो हो गया ये तो हट गया वो स्क्रैप हो गया वो रियूज नहीं 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 आप फेंको मत पढ़ाया नहीं जितना पुराना वेस्टेज है वो रियूज नहीं होगा टॉपिंग्स हो गया सब आप बोल रहे हो पेस्टिंग और फोर्थ हो गया ओवन भी डालना ओवन इतना बन गया वो रियूज नहीं कटिंग एक ही कर लो आप ना एक ही आप पेस्टिंग कर रहे हो पेस्टिंग कर एक कटिंग ये कर रहे एक कटिंग ये कर रहे दो से दो मैं कल भी गाउन को पहन लूंगा अब आप ये कहते हो यू प्लेस इट एज एंड व्हेन इट इज रेडी यू डू इट एंड प्लेस इट एज एंड व्हेन इट इज रेडी
No, but then we have to wait for 30 seconds. Yes, 30 seconds is too late. Exactly, 30 seconds. Anyway, you have to wait for 30 seconds. इसमें आप कितना पार्टी है दो के लिए हमें चाहिए होगा छह चाहिए होगा छह हाँ छह ग्रीन और छह क्या कहते हैं ऑरेंज हमें चाहिए ज़्यादा नहीं चाहिए ये आगे ना ठीक है तो ये मैं कर रहा हूँ ओवन और आउटपुट जो क्वेश्चन है वेस्ट नहीं होना चाहिए ठीक है बस Let's stop. Topping will be ready. जल जाएगी चार मिनट से ज्यादा नहीं डाल सकते और जब तक बेकिंग हो रही है ओवन खोलेंगे नहीं
Okay? Questions. Do we have to bake pizzas and garlic breads both? Yes. Can we bake them together? आप ओवन में देखो, ओवन में आपको 2.0? अलग अलग. आप पढ़िए उसमें? दोनों? नहीं, ओवन में एक बार में दोनों आइटम नहीं जाएंगे. जल जाएगी तो पिज्जा और गार्लिक ब्रेड एक साथ हो ही नहीं सकते. ये लॉजिक समझा लीजिए कि मैंने इसे सिंपलीफाई कर दिया. अच्छा ठीक है, कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं, वो जाके काउंटर में लगा दिया जाता है. आपको उठ के जाके अपने आप एक एक ऑर्डर वहां से उठा के लाना है. हर टीम के लिए ऑर्डर बना के रख दिए हैं. अपनी ही टीम का ऑर्डर उठाना, किसी और टीम का मिक्स मत करना, बदमाशी मत करना, और अपना ऑर्डर लेके आओ, बनाओ, अपना ऑर्डर लाओ, बनाओ. चार ऑर्डर है सबके लिए. वही जो कर रहे थे जैसे, हाँ जैसे आप कर रहे थे. सिर्फ अब तो राइट, अब आपको ऑर्डर लेके बनाना है. अब अभी आप अनलिमिटेड आग बंद करके बस पिज्जा पे पिज्जा चलाए जा रहे थे, वो खत्म. ठीक है, हाँ इधर आप लोग अब सुन लो. पहला क्वेश्चन, कितनी टीम्स ने धनिया लगा के बेकिंग करी है? ऑनेस्टली अगर बेक कर धनिया लगाने के बाद ओवन में डाला है तो उनको हटा दो. ठीक है, सबने वो फॉलो किया? ओके, ये वाला शेप किस किस गार्लिक ब्रेड में नहीं है उनको हटा दो. बहुत सारे में नहीं है. किस कुछ लोगों ने सर्किल बना दिया है, राइट? आपका क्वालिटी कंट्रोल खराब है, मुझे पता है, 2-3 टेबल पे मैंने देखा है. शेप ऐसा होना चाहिए था ना, सर्किल बना दिया आपने. ठीक है, और बाकी ठीक है, ये एलिमिनेट कर लो, ये गलत है. ये तो बोलो शेप कैसा होना चाहिए, आपने कैसा बनाया, देखो जरा. नहीं, दो कर, उसी ऑर्डर में एक टीम का पूल लेके आता राइट. अब ये करने के बाद हर जो जो ऑर्डर आपका कंप्लीट है उसमें आपकी कितने पैसे की कमाई हुई है मुझे ये बताओ. ऑर्डर में वैल्यू लिखी हुई है 50 और 60. ठीक है, अब क्योंकि आपको ऑर्डर पता था, वेस्टेज पे हम नहीं जा रहे हैं. वेस्टेज आपको ऑलरेडी एक तरीके से समझ चुके हो. अब मुझे ऑर्डर की वैल्यू बताओ. 60. एक मिनट, ऑर्डर पूरा है, कंप्लीट है तो कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, वरना कस्टमर उठ के गालियां देके चला जाता है. तो इनकम्प्लीट ऑर्डर पे 0, राइट? अगर आपकी गार्लिक ब्रेड खराब है तो उस ऑर्डर में आपको कुछ नहीं मिलेगा. हाँ, ऑर्डर आपको रेस्टोरेंट में अगर खराब ऑर्डर मिलता है तो आप लोग कुछ लड़ाई करते हो. गार्लिक ब्रेड आपका खराब है ना, हाँ 0. क्या ये क्या स्कोर, ये क्या है आपका टीम, क्या पिज्जा एट होम? एक ही ऑर्डर उठाया है या सिंगल ऑर्डर उठाया आपने? ओके, एक्सप्रेस पिज्जा सब कुछ ठीक था. 50 राइट, एंड पेपर पिज्जा 0 और 1 10 सब कुछ ठीक था, बेमानी तो नहीं हो रही. ठीक है, मतलब देखिए इसमें मैं वो करके फिर फायदा नहीं है ना, आप लोगों को कंसेप्ट समझाना है मुझे. खैर, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे. अगर तो अब यहाँ पे ऑर्डर के साथ में कुछ एक अजीब सी डिफरेंट चीज हुई थी कि ऑर्डर कितनी देर में पूरा होना है, राइट? तो जब ऑर्डर सारे प्लेस हो गए, चारों ऑर्डर वहां आ गए और चारों ऑर्डर आपके कितनी देर में पूरे होते हैं, उस टाइम को हम लोग लीन में लीड टाइम बोलते हैं. द टाइम एट विच द ऑर्डर इज क्रिएटेड एंड इट इज डिलीवर्ड. तो चारों ऑर्डर मैंने 12:47 पे क्रिएट कर दिए थे, लेकिन आप लोग एक एक करके उठा रहे थे. तो ऑर्डर स्टार्ट आपका टाइम डिफरेंट होगा, ऑर्डर क्रिएशन टाइम इज डिफरेंट, और जब आप उस ऑर्डर को आके लेके जा रहे हो हर एक ऑर्डर का टाइम डिफरेंट होगा स्टार्टिंग टाइम. दैट इज नोन एज द साइकिल टाइम, राइट? आपका अगर लीड टाइम बहुत बड़ा है
और साइकिल टाइम छोटा है तो भी वेस्टेज है, राइट? तो आपको अपने दोनों टाइम ऑब्जर्व करने कि हमारा टोटल नेट चारों ऑर्डर बनने के बाद जिस टाइम पे प्लेस हुए और यहाँ डिलीवर हुए उसमें कितना टाइम लग रहा है वर्सेस हर एक ऑर्डर में कितना टाइम लग रहा है, ये दोनों एस्पेक्ट्स आपके लिए मेजरमेंट के लिए जरूरी है. एंड विप लिमिट का एक मेजर ये भी है, थ्रूपुट इज इक्वल टू बेसिकली विप लिमिट बाय योर लीड टाइम. जितना वर्क इन प्रोग्रेस है और जो लीड टाइम उनका जो रेशियो है दैट इज नोन एज द थ्रूपुट और द प्रोडक्टिविटी. दिस इज लिटल्स लॉ. तो आप लोग गिवन टाइम में पूरा ऑर्डर नहीं कर पाए थे, आई विल नॉट गो इनटू दैट आर्गुमेंट कि चार ऑर्डर उस टाइम में हो सकते थे या नहीं, लेकिन हर टीम के अलग अलग थे. किसी ने एक ऑर्डर ही किया, किसी ने तीन ऑर्डर उठा लिए, सर उठा दिया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, किसी ने दो ही उठाए. हर एक का लीड टाइम भी अपने कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट था, साइकिल टाइम डिफरेंट था. ठीक है, मैंने अब्रप्टली रोक दिया, चारों का टाइम नहीं दिया, फिर भी हर टीम की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी ऑर्डर्स डिड दे टेक, उनका वेव कितना आ रहा था ऑर्डर का, वो डिफरेंट. यानी अभी भी आपके प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं गैप है जो मुझे यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर में दिखता है कि आपके अर्निंग कितनी हुई आपके रेस्टोरेंट्स की, राइट? सो वी विल डू वन फाइनल राउंड अगेन. इस बार ऑर्डर जो थी आप ये ऑर्डर लगा दे रहे ये वाले अब आप एक बार इफ यू वांट टू लुक फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स यू रिव्यू मीनवाइल शी इज प्रिपेयरिंग द ऑर्डर्स देन वी विल डू द फाइनल राउंड. इस टाइम पे अभी आ रहा हूं आपके पास. एक ही जब हम लोग करनी है यहाँ से गाइस एक मिनट. अब आपको अब मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग अपने ऑर्डर्स का साइकिल टाइम और लीड टाइम मेजर करो, तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा. हम जब ऑर्डर में स्टार्ट बोलोगे तब एक टाइम नोट कर लेते हैं कितने बजे में ऑर्डर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो हमारा ऑर्डर क्रिएटेड टाइम है. आप जब जब अपना ऑर्डर उठाओगे आके आप कार्ड के पीछे टाइम लिख लो, उसी कार्ड के पीछे हर एक ऑर्डर के पीछे टाइम लिख लो, और जब आपका वो अवन से बाहर आ जाए तब एक टाइम लिख लो, राइट? ताकि मुझे हर ऑर्डर का स्टार्टेड और कंप्लीटेड टाइम मिलता है तो मैं हर ऑर्डर का साइकिल टाइम ढूंढ लूंगा. ठीक है, आप अगर ऐसा करोगे आपका ऑर्डर स्टार्टेड टाइम में यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो आपका साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, राइट? आप करना चाहते हो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. तो हर ऑर्डर के पीछे अगर आप उसको कितने बजे आपने स्टार्ट किया, कितने बजे आपने उसको खत्म करा, वो टाइम नोट करते हो, चार ऑर्डर्स का आपके पास साइकिल टाइम आ जाएगा. उस साइकिल टाइम को हम लोग उसका एवरेज निकाल के हर टीम का एवरेज साइकिल टाइम ढूंढेंगे. ठीक है, और फाइनल ऑर्डर का जो एंड टाइम है और मैंने ऑर्डर कितने बजे क्रिएट किया वो मेरा लीड टाइम होगा. This is the last iteration of this workshop that we are doing. The motive is at this moment not to find out your earnings of the restaurant but to measure your lead time and cycle time of your task. Okay? So one thing, can we not have the flexibility of picking one order or two order or four order? Same question. आप कर सकते हो. आप जैसे ही order उठाओगे सारे एक साथ भी ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. आपका That depends. Maybe you'll pick up only two. Advisable क्या होता है कि आपका जैसे ही पहला स्टेशन खाली हुआ वो ऑर्डर ले आए, आप सारे ला के रख लोगे तो वेटिंग टाइम बढ़ गया. आपका कटिंग का पहला स्टेशन है, जैसे ही वो खाली हुआ वो दूसरा ऑर्डर ले आए. लंच है ना इसकी बात तो, हाँ तो हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा स्टैंड कर सकते हैं ना, इतना तो कोई मतलब पिज्जा के नाम पे भूख तो नहीं लगी ना. ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट एडिशन करते हैं.